बोलो नीलकंठ महादेव की जय। हो भोले शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस नमस्ते जी, वेलकम बैक टू हिमालयन फैमिली मैन। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक बेहद ही सुंदर ट्रैक पर गाइस, और देखिए टेंपल से शायद कुछ लोग जान गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं नीलकंठ यात्रा पर। तो ये हमारी दूसरी यात्रा है, मेरी और मनीष जी की सेकेंड टाइम, और बड़े भाई के साथ भी सेकेंड टाइम, और अपने ललित जी के साथ फर्स्ट टाइम, और हमारे सर के साथ भी फर्स्ट टाइम गाइस। तो इस बार हमारा ये सेकेंड ट्रैक है, और 2023 में भी हम जुलाई के महीने में गए थे, तो इस बार थोड़ा सा हम जल्दी आ गए हैं जून के महीने में। तो गाइस बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है, और 2023 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आप यूट्यूब चैनल पे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री करके आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो लेकिन इस बार भी रोमांच और ज़्यादा होने वाला है। जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। और दूसरा, यदि आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आप व्लॉग को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और कमेंट में जय नीलकंठ महादेव लिखना ना भूलें। नीलकंठ महादेव की कृपा सभी पर बनी रहे गाइस। तो और व्लॉग को एंड तक देखें गाइस, बहुत रोमांचकारी व्लॉग होने वाला है। अभी हम लोग लातो मंदिर के पास हैं, तो अभी चोखंग आएगा, चोखंग से फिर हम नैनघार पहुंचेंगे, और नैनघार से हम अपनी जो एक्चुअल ट्रैकिंग है वो हम शुरू करेंगे। और आज का स्टे रहेगा हमारा अलियास, एंड वॉच टिल एंड। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर नीलकंठ महादेव की जय। बोलो त्रिलोकी नाथ की जय। जय हो महादेव। चलिए जी फिर, जय हो महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर। चलिए गाइस, तो हमारा सफर अब शुरू हो चुका है केलोंग से, तो चलते हैं सीधा नैनघार की ओर। और यहाँ से तकरीबन पौने दो घंटे का सफर है हमारा। तो गाइस नीलकंठ झील के लिए यदि आप अपना सफ़र केलोंग से शुरू करते हैं, तो आपको सबसे पहले केलोंग उदयपुर रोड पर ट्रैवल करना पड़ेगा, और लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंच जाएंगे कमरिंग जीरो पॉइंट। और यहां बड़े से साइन बोर्ड में लिखा गया है वे टू नीलकंठ लेक, और यहां से नैनघार गाँव की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है, और पहला गाँव चोखंग 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और चोखंग से नैनघार की दूरी है 7 किलोमीटर। नजदीक से बनाओ। तो ये देखिए गाइस, लकड़ियों का जुगाड़ हमने कर दिया गाइस। देखिए तो हम लोग अभी चोखंग से आई थिंक 3 या 4 किलोमीटर पीछे हैं, तो लकड़ी डालना हम केलोंग से भूल गए थे गाइस। वैसे भूले तो नहीं थे, क्योंकि लकड़ियाँ थी ही नहीं केलोंग में, तो फिर कहाँ से डालनी थी। तो ये हमें रास्ते में अब लकड़ी मिल गई है, इनको हम डाल देते हैं गाड़ी में, और आगे से बढ़िया इनको पैक करके फिर हम ले चलेंगे इनको, क्योंकि गाइस रास्ते में ऊपर खाना भी बनाना है तो लकड़ियों की ज़रूरत होगी, और झील के पास भी हमने जो प्रसाद बनाना है उसके लिए भी हमें लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा सर, कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, मज़ा आ गया। अभी तो वादियों की शुरुआत है, आगे आगे देखो आप जन्नत। बिल्कुल। तो गाइस आपको मैं बताऊं, लास्ट ईयर भी एक हमने वीडियो शूट किया था आगे, पर वो चढ़मूर्ति जो जगह है वहाँ से बनाया था। तो ये देखिए गाइस, मेरे सामने ना पीछे वहाँ पर माता बुहारी जी का मंदिर है गाइस, वहाँ देखिए सामने पास। तो पिछले साल भी हमारा प्लान था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन सेम जगह से वीडियो बनाया था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पर नहीं जा पाए। तो होपफुली नीलकंठ महादेव का ट्रैक कंप्लीट करने के बाद हम लोग माता बुहारी के मंदिर भी जाएंगे। तो गाइस देखिए कितनी सुंदर जगह, और काफ़ी हाइट पे है। और गाइस आज की सबसे अच्छी जो बात है ना, पिछले कल इतनी बारिश हो रही थी, ललित जी को पता है, और हम लोग डरे थे कि पता नहीं नीलकंठ महादेव की यात्रा कैसी होगी और इतनी बारिश में। और मोनिश, आप व्लॉग देख रहे होंगे, तो मोनिश मौसम आज बहुत अच्छा होगा, देखो भोलेनाथ की कृपा से। तो मौसम आज बहुत बढ़िया, देखिए धूप लगी है और बारिश भी हुई है, और फ्रेशनेस है पूरे यू नो एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छा लग रहा है। और बिल्कुल मतलब पहले धुआं सा होता था, तो बारिश से सब कुछ छंट गया है, और बहुत ही क्लियर, नीट एंड क्लीन, और मज़ा आएगा गाइस। ओ माय गॉड गाइस, देखिए नैनघार वैली का रोड कितना डेंजरस है, एडवेंचरस भी है बट डेंजरस बहुत है। देखिए कैसे बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर ये रोड बनाया गया गाइस। और सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप इस रोड पर आएँ, तो आप बहुत सेफली ड्राइव करें, केयरफुली ड्राइव करें, एंड हर मोड पर आप हॉर्न जरूर बजाएं। तो गाइस ये जो जगह है जो हम पानी पी रहे हैं, ये यहाँ पर बोलते हैं चढ़मूर्ति जगह। तो यहाँ पर बहुत ही नो हॉली वाटर इसको बोल सकते हैं, और हिमालयन वाटर। तो जब भी आप यहाँ आएँ, तो मेन जो हमारा टेंपल है आगे, वहाँ पहुँचने से पहले आप यहाँ पर ज़रूर पानी पिए। ओम नमः शिवाय, हर महादेव, चढ़मूर्ति।
मनीष जी देखो आज जज रहे हैं, क्या बात है, टोपी टोपी लगा के हैं, स्मार्ट बन गया आज। नेचुरल वाटर, आज तो ललित जी भी स्मार्ट लग रहे हैं जी। आज तो ललित जी भी स्मार्ट लग रहे हैं, नॉट इन बॉर्न स्मार्ट। क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस पहुंच गए हम लोग लातो मंदिर। तो लातो मंदिर में दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। नीलकंठ महादेव अगर जाना है आपको तो लातो मंदिर में आप दर्शन करना ना भूलें, भोलेनाथ जी के। ओम नमः शिवाय महादेव। नीलकंठ महादेव की जय। तो घर और जगह देखो ना, ब्यूटी देखो सर, इस पहाड़ की ब्यूटी देखो आप, सीधा नीचे देखो, नीचे जबरदस्त। नहीं यार, इधर और क्या दिखता है यार। तो ये देखिए गाइस, ये आगे चोखंग विलेज, और चोखंग विलेज में ना अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे एक टावर है। तो टावर की बिल्कुल सीध में दूसरी तरफ रिवर के उस तरफ को, दूसरी पहाड़ी में, तो ये टेंपल और ये लातो टेंपल यहाँ पर, और सामने देखिए भुआरी टेंपल है। तो ये वो तीन टेंपल्स है गाइस, जिनकी जो हाइट बोलते हैं कि एक हाइट के हैं, और तीनों, और जो है हर जगह से जो है आप तीनों मंदिर को देख सकते हैं। जैसे भुआरी टेंपल से आप ये वाला टेंपल और वहाँ वाला टेंपल देख सकते हैं, और वहाँ से भुआरी टेंपल और लातो टेंपल आप देख सकते हैं। जब भी आप नीलकंठ महादेव जाएं तो आप लातो मंदिर में जो है दर्शन करना ना भूलें गाइस। जय हो, हर हर महादेव। और वो जो सामने टेंपल था गाइस, उसको नीलकंठ टेंपल कहा जाता है, वहाँ पर भी ऊपर, वो जो सामने की बात कर रहा था। और गाइस यहाँ देखिए आप व्यू दिखाते हैं आपको, देखिए वो टॉप से देखिए आप इन पत्थरों को, देखिए गाइस बिल्कुल सीधा 45 डिग्री, और ये देखिए नीचे देखिए आप, वो रहा थिरोट नाला, थिरोट रिवर। देखिए गाइस किस तरह से पहाड़ों को बिल्कुल नो काट के रास्ता बनाया है, वाह अमेजिंग। हर हर महादेव, हर हर बोलो नीलकंठ महादेव की जय, बोलो त्रिलोकीनाथ की जय, जय हो महादेव। तो गाइस अब हमारा लातो मंदिर से आगे का सफर हो चुका है शुरू, और नेटवर्क हो चुका है गायब। तो अब हम एंटर कर रहे हैं नो नेटवर्क जोन गाइस, तो ओनली महादेव, जय शंकर। तो अभी नेक्स्ट आएगा चोखंग गांव, और चोखंग के बाद आएगा चोकजिंग, चोकजिंग के बाद गोवाड़ी, गोवाड़ी के बाद पहुंच जाएंगे हम नैनखार। यस, ये है गाइस चोखंग गांव, और देखिए आजकल लोग अपने खेतों में बिजी हैं, देखिए सिंचाई हो रही है, आलू मटर फूलगोभी बंद गोभी ब्रोकली सब कुछ आजकल लगाते हैं, क्योंकि शॉर्ट सीजन होता है खेती बाड़ी का लाहौल में ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। चोखंग, ब्यूटीफुल स्वीट होम्स। ये देखिए गाइस रोड का मजा देखिए आप, ये चोखंग गांव, तो बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है, बट अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज गाइस। ये देखिए गाइस, ये जो रिवर बह रही है, इस रिवर का नाम है थिरोट नाला, और इसी थिरोट नाला पर थिरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसकी कैपेसिटी है 4.5 मेगावाट। तो गाइस ये है नीलकंठ टेंपल, इसी टेंपल की मैं बात कर रहा था पहले, यही टेंपल लातो टेंपल से दिखाई देता है गाइस, ये है नीलकंठ टेंपल। ये है गाइस चोखंग ब्रिज, तो गाइस ये है देखिए चोखजिंग गांव, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं 3-4 घर है, देखे हाँ जी आपके लिए सर अलग ही दुनिया, हाँ अलग ही दुनिया।
गाइस वो है गुआड़ी जगह ऊपर देखिए गुआड़ी चौक सिंह के बाद। हेलो क्या व्यू है अमेजिंग। तो गाइस देखिए हम लोग पहुंच गए हैं नैनघार। तो ये आखिरी गांव है इस वैली का। तो यहां से नैनघार से अब जो यह नीलकंठ यात्रा है वो शुरू हो जाती है। हल्की के लिए तो गाइस नीलकंठ ढाबा आज बंद है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो गाइस लास्ट ईयर हमारी जो यात्रा थी वो यहाँ से शुरू हुई थी मेरी और मनीष जी की, लेकिन इस बार थोड़ा सा रोड का फायदा मिल गया। वाह गाइस वाह अमेजिंग। हर हर महादेव। काटो अंदर अंदर ले लो अंदर। चलो 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 ये गाइस पहाड़ों की रानी ऑल्टो भी पहुंची है देखो यहाँ पर। हर हर महादेव। तो गाइस काफी आगे तक रोड आ गया देखो। हमारी लगभग एक डेढ़ घंटे की जो ट्रैकिंग है ना वो कम हो गई देखिए। अमेजिंग। आओ गाइस। हाँ देखिए व्लॉग बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है गाइस। गाइस इस बार के नीलकंठ महादेव व्लॉग को ना 50K से ज़्यादा व्यूज़ मिलने चाहिए गाइस, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें गाइस। मज़ा तभी आएगा जब आप लोग फुल व्लॉग देखेंगे और शेयर भी करेंगे और नीलकंठ महादेव का आशीर्वाद भी लेंगे। हर हर महादेव। वाह गाइस लास्ट ईयर का जो ट्रैक था ना ये देखिए ये था ट्रैक, और लगभग हमें एक घंटा तो यहाँ तक पहुँचने में लग गया था गाइस। तो काफ़ी फर्क पड़ा है गाइस काफ़ी। हाउ यू फीलिंग? फीलिंग बेटर। बेटर ग्रेट। क्या बात है क्या बात है भाई जी। आपका गुड नेम क्या है? सुरेश भाई जी। देखिए हमारे साथ सुरेश भाई जी हमें छोड़ रहे हैं ऊपर तक देखिए। माय गॉड गाइस लुक एट दिस माउंटेन यार। लॉर्ड शिवा। ओह माय गॉड फीलिंग गुड एंड ऑसम। एंड नीलकंठ महादेव जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज मौसम की जो हम पर कृपा बनी है ना गाइस। सीरियसली सब लोगों का यही था कि भी आज के दिन के लिए ना पिछले कल से भी ज़्यादा बारिश थी, लेकिन आज बिल्कुल मौसम थोड़ा सा धूप छाँव का खेल है, लेकिन ये होना भी चाहिए। तो ज़्यादा धूप भी ठीक नहीं है और ज़्यादा छाँव भी ठीक नहीं है, और होपफुली वी आर विशिंग ऑल्सो कि बारिश भी हो थोड़ी सी तभी मज़ा आएगा गाइस। देखिए अमेजिंग। और ये ऊपर वाला माउंटेन देखिए गाइस। हर हर महादेव। लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा। देखिए गाइस यहाँ पर ग्लेशियर, और ग्लेशियर के ऊपर ही है रोड देखिए गाइस। तो रिस्क नहीं लेने का, और यहाँ से आगे गाड़ी जाएगी भी नहीं गाइस। देखिए बिल्कुल ये ग्लेशियर पॉइंट देखिए, ग्लेशियर की दिख रहा है बिल्कुल कॉर्नर से। चलो यही बैठेंगे ऊपर वाले। तो गाइस अब अनलोडिंग हो रही है हमारी। अनलोडिंग ये देखिए गाइस हमारा ब्रेकफास्ट प्लेस। 1 बजे का ब्रेकफास्ट, 1 बजे हो रहा है हमारा गाइस ब्रेकफास्ट, और वो भी ऐसे पहाड़ों में। क्या आपका भी मन है? यदि आपका मन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जहो महादेव। क्यों मैंने ताजी ताजी। क्या बात है। अरे 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 ललित जी के परांठे। अरे 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 क्या परांठे बनाते हैं। लच्छी परांठे, पनीर परांठे। ओ माय गॉड परांठे बनाने में परफेक्ट हो गए हैं ललित जी। धोने हुए
अचार निकाला, इसमें भी अचार है। बताओ फिर कैसा लगता है पहाड़ों में पराठे खाना? गाइस अब हम लोग हो चुके हैं तैयार, हर हर महादेव, बोलो नीलकंठ महादेव की, बोलो नीलकंठ महादेव की, बोलो नीलकंठ महादेव की। आया है भोलेनाथ का बुलावा, आया है जय शंकर की जय, बोला शंकर बारिश में शुरू। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। नहीं जैसे ये सही, मैं च्युइंगम मांगने ही वाला था इसमें। ये तो जल्दी दे दो मुझे, तो जल्दी अच्छी लग रही है। ये तो ऊपर तक जाएगी, लास्ट तक। अरे वाह, रिवर भी आ रही है, क्या शॉट है। हर हर महादेव, तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का आप लोग रुके, गलत अमृत से
सभी मैं बांट के प्यारा विश्का तूने खुद पिया मैंने साया नीचे उतर रहा अरे रह गया बोले ये देखिए गाइस कुछ और साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीलकंठ यात्रा में वो देखिए आगे ओम नमः शिवाय जय हो गौ माता गाइस साल देखिए जो ग्लेशियर है ना पिछली बार यहाँ पे पूरा पानी चला हुआ था देखिए अभी पानी इसके नीचे चला देखिए वो देखिए नीचे पानी हर हर महादेव बोलो नीलकंठ महादेव की भस्म है भुजाओं में वस्त्र बाघ छाद का मैं खड़ा हूं मोस्ट एडवेंचरस गाइस हर हर महादेव एक नारा हो गया दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो पड़ा देखिए गाइस हमारे साथ नीचे भी चले लोग देखिए रोड कितना आगे तक है आगे गाइस नीलकंठ महादेव के लिए देखिए गाइस रोड कहां तक आ गया देखिए कैंपर वो नहीं हमारे कैंपर नहीं आगे 4x4 आई वेन्यू वाले शायद ऊपर गए होंगे ये देखिए गाइस हमारे साथ भाई लोग भी आ गए देखिए आ जाओ आप भी लाहौल से हैं ओके तो आप इनके साथ आए हो कि अकेले आए हो ओके ओके कोई नहीं हम भी आपके साथ हैं
क्यों चिंता कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है फिर? फर्स्ट टाइम? बहुत आनंद आ रहा है। नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम आए हो? सेकंड टाइम। नीलकंठ महादेव, अरे क्या बात है, दिल्ली क्या बात है। सो देखिए गाइस, हमारे साथ दिल्ली से भाई हैं। आपका गुड नेम क्या है? मनीष जी। क्या बात है, हमारे साथ भी मनीष जी हैं। मनीष जी, मनीष जी, देखिए एक मनीष जी यहाँ पर है और एक हमारे मनीष जी, देखिए आगे। ओके चलो चलो, साथ ही चलते हैं। मनीष जी ये हैं हमारे, मनीष जी दिल्ली से हैं भाई। ये देखिए गाइस, हमारे साथ लाहौल के झालमा, झालमा से हैं भाई लोग, है ना? ओके, गोरमा से। अच्छा, गोरमा लिंडूर। पवन जी, अर्जुन जी, राहुल जी, पवन जी, राहुल जी, अर्जुन जी और हमारे मनीष जी। गुड।